नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइल स्ट्रीम बॉट के बारे में। इस बॉट की मदद से आप किसी भी टेलीग्राम फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड लिंक बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन भी स्ट्रीम कर सकते हैं अगर वो एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बार सैम्पल बॉट दिखा देता हूँ। आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको यहाँ पर एक रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा। आपको इस रिपोजिटरी को अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक गिटहब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गिटहब पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर ले। अगर आपको ये नहीं पता कि आप गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस रिपोजिटरी को मेरी तरह वेब पेज में ओपन करना है डेस्कटॉप साइट के अंदर और उसके बाद इसे स्टार करके यहाँ पे फोर्क पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये जो रिपोजिटरी होगी वो आपके गिटहब अकाउंट के अंदर फोर्क हो जाएगी। तो ये रिपोजिटरी यहाँ पे फोर्क हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे डेस्कटॉप साइट से हटा देना है। इसके बाद अगर आपने हमारी कल की पिछली वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको कोएब ऐप के बारे में बताया था, जिस वेबसाइट पे हम अपने टेलीग्राम बॉट को होस्ट कर सकते हैं, हम उसी वेबसाइट के ऊपर अपने इस बॉट को होस्ट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारी कोएब वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर कोई और बॉट डिप्लॉय नहीं हो रहा है। उसके ऊपर सिर्फ हमारा एक यही बॉट फाइल स्ट्रीम बॉट, यही वाली रिपो सिर्फ उसके ऊपर वर्क कर रही है। बाकी सारे बॉट्स उसके अंदर काम नहीं कर रहे, वो सब बंद हो जाते हैं कुछ ही टाइम के बाद। तो मैं यहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ। आपको कोई ऐप के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं वहाँ से लॉगिन कर लूँगा। इस वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गिटहब पे गिटहब चूज़ करना है और यहाँ पे आपको रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है, जो रिपोजिटरी मैंने अभी यहाँ पे क्लोन की है। तो हमारी जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे है फाइल स्ट्रीम बॉट प्रो। मैं इस रिपोजिटरी को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको ब्रांच में मेन ब्रांच को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप कॉन्फिगरेशन पे जाना है और आपको यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी पे जाना है। हर गिटहब रिपोजिटरी में आपको एक फाइल मिल जाएगी प्रोक फाइल करके, आपको इस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी, ये फाइल पाइथन एम आदर्श। आपको इस फाइल को कॉपी करना है वेब के बाद और आपको यहाँ पे रन कमांड दिख रही है, आपको इसे ओवरराइड करके यहाँ पे इसे पुट कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको सारे अपने वेरिएबल्स को ऐड करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें वापस जाना है अपनी रिपोजिटरी के पास और आपको यहाँ पे एक वो मिलेगा एप जेसन करके, आपको इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ से आपको एक एक करके सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डाल देने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे API ID कॉपी करनी है। याद रखना, जो वेरिएबल्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपको सिर्फ वही यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की API ID और API hash कैसे लें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल ग्रे मैटर्स बॉट के ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है हाउ टू गेट योर टेलीग्राम API ID एंड API hash। तो मैंने यहाँ पे API ID फिल कर दिया। इसके बाद जो हमारा अगला वेरिएबल है वो है API hash। अब मैं यहाँ पे API hash भी फिल कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला वेरिएबल है वो है बॉट टोकन, जो कि आपको बॉट फादर से मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप एक टेलीग्राम के ऊपर सिंपल बॉट कैसे क्रिएट करें तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेलीग्राम बॉट। ये आप वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बॉट टोकन भी ऐड कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है जो कि आपका एज अ बिन चैनल यूज़ होगा बॉट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी चैनल क्रिएट करा हुआ है, मैं बस उसकी ID यहाँ पे लूँगा और पेस्ट कर दूँगा। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप चैनल की ID कैसे पता कर सकते हैं तो आप हमारी एक और वीडियो है हाउ टू गेट योर टेलीग्राम चैनल ग्रुप ID, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटाबेस URL फिल करना है। डाटाबेस URL यानी आपका MongoDB URL। अगर आपको ये नहीं पता कि आप MongoDB URL कैसे क्रिएट करें तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से वही वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के अपना MongoDB URL अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना MongoDB URL ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल एक और ऐड करना है और फिर आपको यहाँ पे Owner ID डालनी होगी। Owner ID में आपको यहाँ पे Owner ID में आपको अपने टेलीग्राम की यूज़र ID डालनी है।
ये मेरी टेलीग्राम की यूज़र आईडी। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी कैसे पता करें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर टेलीग्राम यूज़र आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट्स चैनल के अंदर उस चैनल की आईडी डालनी है जो कि आप एज अ फोर्थ सब्सक्राइब यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने फोर्थ सब्सक्राइब के लिए मेरा जो चैनल है ग्रेमेटर्स बॉट, उसे यूज़ करूँगा। हमारे लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल ग्रेमेटर्स बॉट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस पर लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस चैनल की आईडी यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगेन एनवायरमेंटल वेरिएबल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ओनर का यूज़र नेम, यानी जिस टेलीग्राम अकाउंट के अंदर आपने इस बॉट को क्रिएट करा, आपको उस अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करना है विदाउट एट द रेट के। तो मेरा जो वो टेलीग्राम अकाउंट है वो है ग्रेमेटर टेस्ट, मैं उसका यूज़र नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपको ऐड एनवायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्कर्स चूज करने हैं। आप यहाँ पे चार फिल कर सकते हैं, वैसे तो आप इस वर्कर वाली चीज़ को स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हटाई देता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी। आपको क्या करना है, इसके बाद हमारा जो अगला वेरिएबल है वो है यहाँ पर ये माय पास। आप इस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इसकी मदद से आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने बॉट के अंदर, जिस पासवर्ड की मदद से आपका जो यूज़र होगा, कोई भी यूज़र आपके पासवर्ड के बिना आपके बॉट को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड रख लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ ग्रेमेटर, ओके। और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बॉट के अंदर कोई भी पासवर्ड हो तो आप इस वेरिएबल को यूज़ ना करें। इसके बाद आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इसे हटा देना है। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको बीच में यहाँ पे पोर्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, स्केल्स के अंदर आप इसे 1 ही रहने दें। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करना है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने आप पे अकाउंट क्रिएट करवाया था कोएब ऐप के ऊपर। तो आप मैं यहाँ पे माइक्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रीजन को मैं यहाँ पे फ्रांस ही रहने दूंगा, और सर्विस को मैं यहाँ पे नाम दूंगा फाइल स्ट्रीम बॉट, ओके। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका आपको यहाँ पे नेम के अंदर, सर्विस नेम के अंदर सिर्फ स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे जो नाम था सर्विस का नेम, वो यहाँ पे फाइल स्ट्रीम बॉट डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो बॉट होगा यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, जब तक हमारे डिप्लॉय हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है पब्लिक यूआरएल, आपको इसे कॉपी यहाँ पे करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके सेटिंग्स में जाना है इस बॉट की। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और अब आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना होगा, जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। एक अनदर वेरिएबल आपको यहाँ पे ऐड करना है, और इसका नाम होगा, आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है FQDN, और वैल्यू के अंदर जो कॉपी मैंने एड्रेस कॉपी किया, आपको वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। और लास्ट में आपको जो ये स्लैश दिखाई दे रहा है, आपको इस स्लैश को यहाँ से हटा देना है। और फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको ये दिख रहा है अपडेट सर्विस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा जो बॉट है यहाँ पे सक्सेसफुली अच्छे तरीके से डिप्लॉय होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो यहाँ पे अभी पेंडिंग है, आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके बॉट के बिल्ड लॉग्स दिख जाएंगे। ये अभी यहाँ पे कुछ देर में आ जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करता हूँ। अब जब तक हमारा बॉट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, मैं आपको एक बार अपने टेलीग्राम अकाउंट पे जाता हूँ, और ये मेरा बॉट है, मैं इसे यहाँ पे एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बॉट जो है अभी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और जैसे ही ये जो बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्ड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारे बॉट के लॉग्स आने लगे। जब आपका बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लास्ट में ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा बिल्ड सक्सीड, ठीक है। और इसके बाद आप इसे स्क्रॉल अप करें, मैं आपको एक बार अपने बॉट को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तो इसके अंदर अभी एक एरर आ रहा है, मैं उस एरर को यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ। मैंने क्या किया, आपको याद होगा मैंने जब अपडेट चैनल डाला था, तो मैंने गलती से चैनल आईडी डाल दी थी। आपको चैनल आईडी नहीं डालनी है, आपको यहाँ पे अपने चैनल का यूज़र नेम डालना है विदाउट एट द रेट के, जो कि चैनल आपका ओपन पब्लिक होना चाहिए। तो मैंने अपने चैनल का यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया है, और फिर उसके बाद मैं इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे चेंजेस को अपडेट कर दूंगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर, तो ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा बॉट जो है उस ठीक से डिप्लॉय हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे को कह रहा है चैनल ज्वाइन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन चैनल के ऊपर क्लिक करूँगा।
और यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद आपको अगेन ये स्टार्ट कमांड यहाँ पे देनी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बॉट है यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको याद होगा मैंने अपने बॉट के अंदर पासवर्ड सेट किया था, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। तो मैं आपको ये कमांड यहाँ पे सेंड करनी है लॉग इन वाली, और आपको जो पासवर्ड आपने एंटर किया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ग्रे मैटर, मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करूँगा एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड करेक्ट है, हम लॉग इन हो चुके हैं बॉट के अंदर। आप यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट कमांड यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्प से आपको हेल्प कमांड मिल जाएगी कि आपको इसको बॉट को कैसे यूज़ करना है। आपको लॉग इन से मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। डीसी से आप अपना डीसी पता कर सकते हैं कि आपका डाटा सेंटर कौन सा है टेलीग्राम पे। सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉट की स्पीड आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। स्टेटस से आप पता कर सकते हैं कि आपके बॉट के अंदर कितनी स्टोरेज फिल हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी ऐप के ऊपर टोटल जो डिस्क स्पेस मिलती है वो लगभग 14.7 GB की मिलती है, जिसके अंदर अभी हमारी इस बॉट ने सिर्फ 750 MB को यूज़ किया है, बाकी सारी हमारी जो 13.2 GB स्पेस है वो फ्री पड़ा है। और आप यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करके इस बॉट के ओनर के बारे में पता कर सकते हैं, जो कि मेरी ही आईडी है ग्रे मैटर्स बॉट। अब मैं आपको इस बॉट को यूज़ करके बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉट को एक फ़ाइल सेंड करूँगा, एक वीडियो फाइल। वीडियो फाइल सेंड करने से पहले, क्योंकि हमने इसने अपने बॉट को कोएब ऐप के ऊपर यूज़ डिप्लॉय किया है, तो आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आपको यहाँ पे कोएब ऐप के ऊपर आना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इस वीडियो के अंदर 3 डिप्लॉयमेंट करी थी, जो कि पहले के अंदर मैंने आपको FQDN सेलेक्ट करवाया था चेंजेस, यानी अपना वेब एड्रेस इस पर एंटर करवाया था, जो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर मैंने एक एरर कर दिया था कि मैंने अपडेट चैनल का आईडी डाल दी थी, आपको यहाँ पे यूज़र नेम का इस्तेमाल करना था, तो वो चेंजेस मैंने इसलिए कर दिया। तो यहाँ पे नीचे के दो डिप्लॉयमेंट है वो हमें नहीं देखने। इसके बाद जो हमारी तीसरी जो लास्ट डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रही है बॉट के अंदर किसी भी बिना एरर के, आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हेल्दी नहीं है तो आपका जो बॉट है वो कुछ ही देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जब आप अपने इस अकाउंट को लॉग आउट करेंगे तब। हमारी क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हेल्दी है तो हमारा बॉट यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा। मैं आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगा अपनी इस आईडी को लॉग आउट करके। पहले मैं आपको इस बॉट का यूज़ दिखा देता हूँ कि इस बॉट को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी वीडियो फाइल सेंड करूँगा, तो ये मेरे पास एक मेरी यूट्यूब वीडियो है, मैं इस वीडियो को यहाँ से लूँगा और अपने इस बॉट को सेंड करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसे फाइल को सेंड किया, फाइल सेंड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉट यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसने हमें दो तरह के लिंक दिए, एक डाउनलोडेबल लिंक और दूसरा हमारा वॉच लिंक। मैं आपको सबसे पहले इस पे स्ट्रीम लिंक दिखा देता हूँ आपको। आपको इसे ओपन करना है और ये आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन खुलेगा, ओपन होगा एक वेब पेज के ऊपर। आपका देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वेब पेज ओपन हो चुका है, और जो वीडियो मैंने आपको सेंड करी थी वो यहाँ पे ये वीडियो है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है यहाँ पे ऑनलाइन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहे तो इसे फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, मैंने इसे फुल स्क्रीन पे कर दिया। मैं इसे आपको एक बार रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे जब इसे रोटेट करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं कि आप इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और ये आपकी जो वीडियो है यहाँ पे अच्छे से प्ले होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आ रहा है। और आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे सेटिंग्स में मिल जाती है, सेटिंग्स में आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड को। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा डाउनलोड के लिए, जिससे आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो डाउनलोडिंग होगी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं अपने डाउनलोड्स में गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे स्क्रीन को वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल थी वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही थी। और फिर आपको एक ये वाला बटन मिलेगा, आप इस बटन से आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसे कर दिया है। तो आप इसे और कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप किसी भी ऐप को यूज़ करते हुए इस वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। और आप इसे फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप इसे फुल स्क्रीन में यहाँ पे ऐसे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं और ये वेब पेज वापस ओपन हो जाएगा। तो ये तो था इसका स्ट्रीम लिंक। अब मैं आपको वापस अपने बॉट के पास जाके दिखाता हूँ। दूसरा है हमारा डाउनलोड लिंक। आप इसकी मदद से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस इसको ओपन करना है और आपकी जो फाइल यहाँ पे डाउनलोडिंग होगी स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है।
ओके तो इस तरह से हमारे बॉट वर्क करता है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और बात, आप यहाँ पे लॉग चैनल्स के अंदर देख सकते हैं कि आपके बॉट के अंदर को कौन यूज़ कर रहा है और उसने कौन सी फाइल्स को जनरेट करा है। और जब तक आप इस लॉग चैनल के अंदर किस जो फाइल आपने क्रिएट करी है आप उसे डिलीट नहीं करते, जैसे मान लो अगर मैंने इस फाइल को यहाँ पर डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद अब जब मैं इसे स्ट्रीम लिंक्स वगैरह को यूज़ करूँगा तो ये वर्क नहीं करेंगे। देखा यहाँ पे लिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लॉग चैनल के अंदर से फाइल को डिलीट कर दिया तो फाइल का जो लिंक होगा वो वर्क नहीं करेगा, और जब तक आप इस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे आपका जो लिंक है वो परमानेंटली वर्क करता रहेगा। अगर आपको इस बॉट को डिप्लॉय करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे सपोर्ट ग्रुप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड टेलीग्राम बॉट्स से। ओके और मैं आपको एक बार मैंने आपको बताया था कि मैं इस बॉट को यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग आउट भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा बॉट ठीक से वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेबसाइट है इसे लॉग आउट कर दूंगा क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हेल्दी है तो हमारा बॉट यहाँ पे डाउन नहीं होगा। तो मैंने आप यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है वेबसाइट से, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लॉग आउट कर दिया, मैंने इस पेज को भी क्लोज कर दिया, मैंने अपना ब्राउज़र भी क्लोज कर दिया। मैं अपने बॉट को अब यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, सॉरी मैंने लॉग्स कमांड दे दी यहाँ पे गलती से, ये इस बॉट की कमांड नहीं है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बॉट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे स्टार्ट कमांड भी वर्क कर रही है, हेल्प कमांड भी काम कर रही है, डीसी सारी कमांड्स हमारी जो बॉट की है काम कर रही है। मैं एक बार फिर से फाइल स्ट्रीम बॉट को भी दोबारा जनरेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। मैंने फाइल को सेंड किया, हमारा लिंक जनरेट हुआ, मैंने स्ट्रीम को ओपन किया। और ये हमारी जो स्ट्रीम है यहाँ पे वर्क कर रही है, मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, देखो हमारी स्ट्रीम यहाँ पे वर्क कर रही है। एक और बात मैं आपको फिर से मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी ऐप के ऊपर अभी तक मैंने जितनी भी रेपोज ट्राई करी है उसके अंदर सिर्फ यही एक रेपो है जो हमारी वर्क कर रही है, फाइल स्ट्रीम रेपो। इस रेपो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर आप खुद के लिए ऐसा बॉट डिप्लॉय नहीं करना चाहते तो आपको हमारे एक डेमो बॉट है जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आप हमारे इस बॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस बॉट के अंदर भी सेम यही फीचर्स है।